जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रैक्टिकल ड्राइंग बनाना बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोकैड के अंदर इस ड्राइंग को बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना की देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपनी इस ड्राइंग को इस पेज पर अटैच कर लेना है। तो अटैच करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर आएंगे और इंसर्ट के अंदर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अटैच, और यहाँ से जो भी आपकी फाइल है आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे और ओके कर देंगे तो उस फाइल को क्या है आप अपने पेज पर अटैच कर सकते हो। देखिये, अटैच करने से हमारा ये बेनिफिट होगा कि हमें डायमेंशन देखने के लिए बार बार अलग नहीं जाना पड़ेगा या अलग पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं से डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर तीन सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। तीन सर्कल की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मेरा ये अंदर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को जो मैं बनाना है कितने पर, 16 रेडियस पर। उसके बाद एक सर्कल और बनाना पड़ेगा, ये तो ये बनेगा मेरा कितना, 21 रेडियस का। और एक सर्कल और बनाऊंगा ये वाला, ये बनेगा 32 रेडियस का। तो सबसे पहले तो क्या करता हूं, मैं यहाँ पर सर्कल कमांड लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर होम पर आऊंगा और होम पे आने के बाद यहाँ पर सर्कल, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कौन सा सर्कल लेंगे, सेंटर एंड रेडियस। यहाँ से सेंटर रेडियस और कोई भी इसका एक सेंटर पॉइंट दे देता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले जो सर्कल बनाऊंगा कितने का, 16 का, एंटर। उसके बाद फिर से सी सर्कल के लिए एंटर, और इसके सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर कितने का, 21 का, एंटर। फिर से सर्कल कमांड लेता हूँ सी एंटर, और कितने का क्रिएट करना है इस बार, 32 एंटर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मैंने ये थ्री सर्कल्स बनाए, एक 16 का, 21 का और 32 का। अब ये सर्कल बनाने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपको गैप मिल रहा है, ये गैप कितने का आपका, यहाँ पर 6 का, ठीक है। अब ये जो गैप पर मुझे शो कराना है यहाँ पर 6 का, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लीजिए एक लाइन एल एंटर, और इसके सेंटर पॉइंट से आपको एक लाइन बनानी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एंड कर देता हूँ, राइट क्लिक एंटर। तो यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से एक मैंने लाइन बनाई। अब इस लाइन को क्या करूं, मैं ऑफसेट कर लूंगा, तो यहाँ पे ओ एंटर, और ऑफसेट कितना करूंगा यहाँ पर, 3 एंटर। मैं 3 इधर ऑफसेट कर देता हूँ और 3 इधर ऑफसेट कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा एंटर। इस बीच वाली लाइन को क्या कर देता हूँ, अब इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये बना। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इस लाइन को हम ट्रिम कर दे, तो TR डबल एंटर, और यहां से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, ये यहां से हमने ट्रिम किया, राइट क्लिक एंटर। अब ये जो मेरी दोनों लाइन है आप देखेंगे तो इस सर्कल के यहाँ पर ये यहाँ भी गैप है, यहाँ भी है, तो मुझे इसके चारों तरफ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को एरे कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हम एरे यूज करेंगे, कौन सा एरे यूज करेंगे, पॉलर एरे। तो पॉलर एरे के लिए हम किसके अंदर आएंगे, मॉडिफाई में, यहाँ पर मिलेगा मैं क्या, पॉलर एरे। यहां से मैं पॉलर एरे और इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर एक एरे होके आ गई। अब आप यहाँ पर काउंट भी कर लीजिए, जो आपको करनी कितनी, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइटम देखेंगे तो नंबर ऑफ आइटम कितने आपके, 6 है, मतलब 6 है। तो आप क्या कर दीजिए, राइट क्लिक एंटर। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर, और यहां से मैंने इसको ट्रिम किया, ये ट्रिम, यहां से इनको आप क्या कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए, ये एक और ट्रिम और ये। तो हमने यहाँ पर ये ट्रिम किया, राइट क्लिक करा एंटर, तो आप देखेंगे तो हमारे ये यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद में इसके ऊपर एक सर्कल और बनाना है, ये वाला, जो कि ये सर्कल होगा हमारा कितना, 40 रेडियस का। तो मैं फिर से सी सर्कल के लिए एंटर, इसके सेंटर पॉइंट से एक सर्कल और बनाता हूं कितने का, 40 का। यहां पे मैंने 40 का एक सर्कल बनाया। अब यहां पर इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर से और जो आपका ये सर्कल का सेंटर है, अब यहां पे देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है यहां पर ये 50 और इससे आगे 20 का और है, तो टोटल डिस्टेंस जो निकल के आएगा ये कितने का आएगा, 70 का। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक लाइन लेता हूँ एल एंटर, इसके सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ F8 से,
एक 70 की लाइन बनाता हूं। यहां पर मैंने 70 की लाइन बनाई। अब इस 70 की लाइन पर मुझे यहां पे क्या करने, दो सर्कल बनाने हैं, और जो दो सर्कल का साइज होगा वो कितना होगा, एक 50 रेडियस का और एक 20 रेडियस का। तो यहां पे क्या करता हूं, सर्कल सी एंटर, और यहां पर सर्कल लूंगा, यहां पर साइज दिया मैंने कितने का 15 एंटर, फिर से सी एंटर, फिर से क्लिक किया और कितना 20 का एंटर। तो यहां पर मैंने ये दो सर्कल बनाए। अब इन सर्कल को बनाने के बाद में आप देखेंगे जो ये वाला जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, और इस सर्कल से और यहां तक आप डिस्टेंस देखेंगे तो कितने का है, 60 का। मतलब ये जो मेरा सर्कल का सेंटर है, उस सर्कल के सेंटर से जो ये वाला सर्कल का सेंटर है, इसका डिस्टेंस है 60। अब 60 के बाद में इधर ये यहां पर कितना है, 20 अंदर है यहां से, ठीक है, यहां से 20। तो आप देखा जाए तो यहां से जो साइज निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 50 का। इस सर्कल के सेंटर से ये वाला जो सर्कल है, इसके सेंटर से ये इधर कितना जाएगा, 50, और यहाँ पे जो इसकी साइज आएगा वो 60। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, लाइन एंटर, यहां से एक लाइन क्रिएट करूंगा कितने की, 60 की, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या करना है, 60 का डिस्टेंस, और इधर आने के लिए साइज होगा मेरा कितना, 50, ठीक है। तो यहां से मैंने 60 और इधर 50। उसके बाद यहां पर सर्कल बनाने, एक 15 का और एक 21 का, क्लियर। तो यहां पर सी एंटर, एक सर्कल बनाता हूं कितने का, 15 एंटर, फिर से सी एंटर और 21 एंटर। सेम मुझे क्या करना है, यहां से ये ऊपर वाले भी बनाने, तो फिर से एल एंटर, यहां पर लाइन मुझे बनानी पहले किसकी, 60 की, एंटर, और इधर कर देते हैं 50 एंटर। यहां पर अब क्या बनाएंगे हम, सर्कल, तो सी एंटर, यहां पर क्लिक करेंगे कितने का, 15 का एंटर, फिर से सी एंटर, और इस बार साइज मेरा 21 एंटर। तो यहां पर मैंने ये सर्कल क्रिएट करे। उसके बाद मेरी ये लाइन है, इनका मुझे कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इनको इरेज कर दूंगा यहां से। तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट करता हूं यहां से, और ये भी, ये राइट क्लिक एंटर, तो ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको क्या है, 20 रेडियस का एक आर्क है, जो कि ये आर्क बनाना होगा वो हमें किससे बनाना होगा, 10-10 रेडियस से। तो यहां पर हम सर्कल के अंदर आएंगे और सर्कल के अंदर हमारा ऑप्शन मिलेगा 10-10 रेडियस। तो आप फर्स्ट टेंजेंट इसको दीजिए, सेकंड टेंजेंट आप इसको दीजिए, साइज हमारा 20 एंटर। सेम फिर से मुझे 10-10 रेडियस लेना है, फर्स्ट टेंजेंट मैंने ये दिया, सेकंड टेंजेंट मैंने ये दिया और 20 एंटर। उसके बाद क्या करते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं, तो TR डबल एंटर, और यहां से भी इसको मैंने ट्रिम किया। अब क्या करना है मुझे, यहां पर एक लाइन क्रिएट करनी है, जो कि लाइन जो मैं बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, इसके टेंजेंट पर। तो यहां पर L एंटर, और उसके बाद में क्या करूंगा, TAN टेंजेंट के लिए एंटर, इसका टेंजेंट ये मेरा, ठीक है। अब दूसरा टेंजेंट लेने के लिए वापस आप या तो TAN टाइप करो, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहां पर आप स्नैप के अंदर आएंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, टेंजेंट। तो इसका ये टेंजेंट मिलेगा, आप यहां पर इस पर टेंजेंट पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक एंटर, ओके। फिर से मैं लाइन लेता हूं एंटर, यहां पर टेन एंटर, तो ये टेंजेंट लेना है आपको यहां से। उसके बाद में आपको यहां पर राइट क्लिक, स्नैप और टेंजेंट, ठीक है। या तो आप कमांड से भी ले सकते हो, या आप इस टाइप से राइट क्लिक से भी शो करा सकते हो, राइट क्लिक कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो यहां पर मैंने इसको टेंजेंट पे जोड़ा। अब उसके बाद क्या करता हूं, इसको यहां पर मैं ट्रिम कर देता हूं, तो TR डबल एंटर, और इसको यहां से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, और इधर मैंने इसको ट्रिम कर दिया, राइट क्लिक करेंगे एंटर, क्लियर। तो यहां पर हमारा ये पार्ट इधर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, सेम इसी पार्ट को इधर क्या कर देता हूं मैं, मिरर कर देता हूं, ठीक है। या तो आप इधर सेम बना भी सकते हो, या फिर आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को सेम इधर क्या कर दीजिए, मिरर कर एंटर। या तो आप MI कमांड है, या फिर आप यहां से मिरर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और इसको भी सिलेक्ट करता हूं, ये सिलेक्ट किया। अब उसके बाद राइट क्लिक, आप इस सर्कल के सेंटर से यहां पर आएंगे, तो यहां पर क्लिक करिए, और इधर आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्रिएट होके आ चुका है। अब ये कह रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना है, तो क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा। तो नो करते ही आप देखेंगे तो यहां पर आपकी ये ड्रॉइंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर। तो आप इस टाइप से ऑटोकैड के अंदर बड़ी आसानी से कोई भी ड्रॉइंग बना सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस प्रैक्टिकल ड्राइंग को बनाना बताया कि
कैसे आप ऑटो कैड के अंदर इस ड्राइंग को बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।